चलो रिप्रोक्टिवल्स लिखिए इसमें। इस चैप्टर में आपको बेसिकली पढ़ना है कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कितने तरह के मेडिकल इश्यूज हो सकते हैं, किस तरह से हम लोग पॉपुलेशन कंट्रोल करें, किस तरह से अपने सोसाइटी को रिप्रोडक्टिवली हेल्दी करें, और लास्ट में कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे होता है और उससे बचने का कुछ उपाय। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक बार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का डेफिनेशन दिया उसको पढ़ते हैं। लिखिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ, हाँ चैप्टर नंबर, चैप्टर भी और हेडिंग भी। लेकिन अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू WHO रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स, अकॉर्डिंग टू WHO रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स, अच्छा रिचा तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ, जब सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म पे आएगा तब तुमको हम टेस्ट देना शुरू करेंगे हिंदी वाला। मेरे पास कुछ टेस्ट पेपर है हिंदी में, अलग से लाना मेरे पास सवाल नहीं हिंदी, लेकिन मेरे पास कुछ है वो भी नहीं था आसपास पास सब डराएगी, लेकिन डरना नहीं आसान हो सकता। ठीक है, तो एलन का कुछ क्वेश्चन पेपर है जिसमें हिंदी में भी क्वेश्चन होगा, इंग्लिश में भी होगा, तो बाकी के लिए इंग्लिश में रहेगा, तेरे लिए हिंदी में रहेगा, वही सेम क्वेश्चन। हाँ तो अच्छी बिहार बोर्ड में भी रहता है मैक्सिमम, बिहार बोर्ड में कोई पूछ सकता है, और कहने का मतलब है कि आपको बस क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रैक्टिस होना चाहिए, फिर तो सारा हम पढ़ाए ना। ठीक है, तो हिंदी में वहां पे बस दिक्कत ये ना कि वहां एक साथ बहुत सारा चैप्टर का टेस्ट होता है, सिर्फ एक चैप्टर दो चैप्टर का नहीं होता, तो चार चैप्टर पांच चैप्टर तीन चैप्टर मिनिमम 3000 चैप्टर, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी हो जाएगा तो एक पेपर तुमको प्रोवाइड कर देंगे चार चैप्टर, ऑलमोस्ट 90 क्वेश्चन होगा। हिंदी ज्यादा ही है ना, ये तो किताब अच्छा क्वेश्चन मार्क आपने बोला होगा हिंदी ज्यादा इजी है, क्वेश्चन मार्क जवाब तो नहीं, तुम जिसमें कंफर्टेबल हो वही तुम्हारे लिए इजी है। वर्ल्ड हेल्थ मीन रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स अ टोटल वेलबींग, अकॉर्डिंग टू WHO रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स a total well-being in all aspects, reproductive health means a total well-being in all aspects, a total well-being in all aspects of reproduction, a total well-being in all aspects of reproduction, that is physical, emotional, behavioral and social, in all aspects of reproduction, that is physical, emotional, behavioral and social, कोई बात नहीं। बीच में ना बहुत लैग होता है, उसका लाइव करोगे तो अच्छा लगेगा, तुम लाइव नहीं जोड़ रहे थे एक दिन ना अगला दिन, अच्छा उसका लाइव में बड़ा क्लियर होता है, क्लियर था अच्छा, बस ये देखे थे लिंक सही में है कि फूल का भेज दी है। ठीक, इसका मतलब समझो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब ये होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म या एक ऐसा सोसाइटी जहां के सारे ऑर्गेनिज्म फिजिकली देखने में रिप्रोडक्टिवली हेल्दी लग रहे हो,
मतलब उनके सारे सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट सही हो, मेल में पेनिस सही से हो, टेस्टिस का डेवलपमेंट सही से हुआ हो, फीमेल में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट सही से हो, वजाइना ठीक से डेवलप्ड हो। अच्छा, मेल में फिजिकल का एक और मतलब ये कि पेनिस इरेक्ट हो रहा हो, क्योंकि इंसेमिनेशन के लिए इरेक्शन ऑफ पेनिस बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज इमोशनल, मतलब ये कि आपके अंदर हार्मोनल लेवल भी इस तरह का नॉर्मल हो कि आप किसी के तरफ अट्रैक्ट हो, है ना। अच्छा, सबकी तरफ अट्रैक्ट हो फिर दिक्कत, ऐसा नहीं जिसको देख अट्रैक्टिव हो जा रहे, नहीं फिर ये दिक्कत, लेकिन हाँ अट्रैक्ट नहीं हो रहा ये भी दिक्कत है। तो आपको इमोशनली मतलब किसी की तरफ अट्रैक्ट होना, और बिहेवियर मतलब आपका बिहेवियर ऐसा हो कि आपको सेल्फ कंट्रोल भी होना चाहिए, है ना, ये भी जरूरी है। और सोशल मतलब कि आप थोड़ा सोशल भी हैं, रिप्रोडक्टिवली आपको पता आपका लिमिट्स कहाँ है, ये सब चीज का आपको आइडिया होना चाहिए। मतलब ये सोशल वगैरह करने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि कई बार सिर्फ ये मैटर नहीं करता कि सामने वाला भी रिप्रोडक्टिवली एक्टिव है या नहीं है, कई बार रिलेशंस मैटर करता है, जैसे जानवर में रिलेशंस मैटर नहीं करते। अगर एक मेल और एक फीमेल ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली मैच्योर है तो दे कैन मेट, लेकिन हमें ऐसा नहीं हो सकता ना, क्योंकि हम सोशल हम अपना रिलेशंस देखते हैं, सिर्फ ये नहीं देखते कि सामने वाला भी रिप्रोडक्टिवली मैच्योर और हम भी मैच्योर है देन वी कैन मेट, नो, दिस मीन्स सोशल। चलिए, तो ये मतलब है। अभी ये प्रॉब्लम मतलब ये चीज के बारे में बात करना हमारे सोसाइटी में बड़ा ऑकवर्ड लगता है, नहीं, अगर कोई बोल दे हमको बात करने के लिए कि जब हमने घर में बात की रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में अपनी बहन से, अगर हम एक मेल की किसी बात करें तो मां से डिस्कस कर रहे हैं, तो ये बड़ा ही ऑकवर्ड टाइप का मोमेंट होता है। लेकिन इस कंट्री में भी, ऐसे सोसाइटी वाले कंट्री में भी, हम दुनिया के पहले कंट्रीज में से एक थे जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए सबसे बड़ा प्रोग्राम शुरू किए थे, और इंडिया का स्लोगन था हम दो हमारे दो, ये बहुत लोग अपने बचपन के टाइम में देखे हुए, एडवर्टीजमेंट ऑफ कॉन्डम्स एंड दिस स्लोगन, फैमिली प्लानिंग के लिए स्लोगन आजकल भी न्यूज़पेपर्स में अक्सर आता है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आता है, परिवार नियोजन के तरीके, परिवार नियोजन मीन्स फैमिली प्लानिंग। ठीक है, तो ये सब बड़ा ही कॉमन है, बट इंडिया में सब दुनिया में सबसे पहले हुआ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निकालिए। इंडिया वॉज अमॉन्ग द फर्स्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, इंडिया वॉज अमॉन्ग द फर्स्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट एक्शन प्लान, इससे ज्यादा आवाज मेरा कम हो रहा है, टू इनिशिएट द एक्शन प्लान, फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट एक्शन प्लान एंड प्रोग्राम एट अ नेशनल लेवल, टू इनिशिएट एक्शन प्लान एंड प्रोग्राम एट अ नेशनल लेवल, टू इनिशिएट एक्शन प्लान एंड प्रोग्राम एट अ नेशनल लेवल, टू इनिशिएट एक्शन प्लान एंड प्रोग्राम एट अ नेशनल लेवल, टू अटेन टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ, टू अटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज अ सोशल गोल, टू अटेन टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज अ सोशल गोल, दीज प्रोग्राम्स आर कॉल्ड फैमिली प्लानिंग, थोड़ा स्लोरी लिख रहा हूं, दोबारा रिपीटिंग करना एक बार सुनो, एज अ सोशल गोल दीज प्रोग्राम्स आर कॉल्ड फैमिली प्लानिंग, ब्रैकेट में फैमिली प्लानिंग एक्ट, फैमिली प्लानिंग एक्ट, क्या बात है,
फैमिली प्लानिंग एक्ट, ब्रैकेट में लिखिए फैमिली प्लानिंग एक्ट और आंसर लिखो, आंसर निकालो। पहला पेज सेकंड लास्ट लाइन फैमिली प्लानिंग का इनिशिएटिव 1950 मिला। फैमिली प्लानिंग के बाद ब्रैकेट में फैमिली प्लानिंग एक्ट लिखना, फैमिली प्लानिंग के बाद ब्रैकेट में फैमिली प्लानिंग एक्ट एंड वॉज इनिशिएटेड इन 1951 एंड वॉज इनिशिएटेड इन 1951 ब्रैकेट नहीं, बस फैमिली प्लानिंग एक्ट रहेगा ब्रैकेट। इट इज करेंटली इन ऑपरेशन। नेक्स्ट पॉइंट एंड सेट इन नेक्स्ट पेज में, इट इज करेंटली इन ऑपरेशन। नेक्स्ट पॉइंट हाँ, इट इज करेंटली इन ऑपरेशन अंडर द पॉपुलर नेम ऑफ, इट इज करेंटली इन ऑपरेशन अंडर द पॉपुलर नेम ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, अंडर द पॉपुलर नेम ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, ब्रैकेट में कॉमन नेम है RCH। हो गया। अच्छा इतना सब कुछ लोग क्यों कर रहे हैं, सब एडी बनाइए, प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजी, फैमिली के बारे में नहीं, अपना फैमिली बनाने के बारे में सोचना है, जो फैमिली है उसके बारे में नहीं सोचना। प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज, पहला पॉइंट, देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन देयर इन प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज, प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज, बगल से स्पेलिंग देख लो बच्चा, प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज। हो गया, पॉइंट, देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, देयर इज रिक्वायरमेंट REQUIREMENT, देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स, डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स, हमारे बॉडी के रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स कैसे डेवलप करते हैं इस बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए, फॉर डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स। हो गया, नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज रिक्वायर्ड फॉर नोइंग द करेक्ट एडोलेसेंट टाइम, रिक्वायर्ड फॉर नोइंग द करेक्ट एडोलेसेंट टाइम, नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, रिक्वायर्ड फॉर नोइंग द करेक्ट एडोलेसेंट टाइम, रिक्वायर्ड फॉर नोइंग द करेक्ट एडोलेसेंट टाइम। हो गया, नेक्स्ट पॉइंट, रिक्वायर्ड फॉर knowledge of proper hygienic sexual practices, required for knowledge of proper hygienic sexual practices, required for knowledge of proper hygienic sexual practices,
required for knowledge of proper hygienic sexual practices. ठीक है, HYGENIC सेक्सुअल प्रैक्टिस है, देखो सेक्स जो है ये बहुत ही इंटीमेट बॉडी रिलेशन है, दो इंडिविजुअल के बीच में बहुत ही इंटीमेट बॉडी रिलेशन है, क्योंकि इस एक्ट में दोनों के बॉडी का जो फ्लूइड है ये एक्सचेंज होता है, मतलब ये कि मेल का स्पर्म फीमेल बॉडी में जाता है और फीमेल के वेजाइनल पार्ट से यूट्रल पार्ट से भी मेटिंग के वक्त में कुछ फ्लूइड्स रिलीज होते हैं। मैंने आपको ग्लैंड्स का नाम नहीं बताया था लेकिन बोला था कि फीमेल में भी कुछ ग्लैंड्स होते हैं। कौन सा वाला पॉइंट? मैंने आपको ग्लैंड्स का नाम नहीं बताया था, बता नाम ही नहीं बताया था कौन सा ग्लैंड था जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा रहे थे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था, लेकिन ये बात कहा था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में भी कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो कि सिक्रीशन रिलीज करते हैं, नाम नहीं बताए थे, रिकॉर्ड दिए थे मेल में, अच्छा बताए होंगे ठीक। और ये भी बोले थे कि हाँ, तो ये भी आपको बोले थे कि इनसे कुछ सिक्रीशन रिलीज होता है जो कि एक्ट ऑफ मेटिंग के वक्त फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, स्लिपरी होता है, फीमेल सिस्टम की इंट्रोडक्शन करता है, ये तो मेल है। पार्थोलियन ग्लैंड, हाँ मेमोरी ग्लैंड में डिटेल है। खैर फिर आपको मैंने बताया था कि इन सब ग्लैंड से कुछ सिक्रीशन आता है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को स्लिपरी बनाता है ताकि फ्रिक्शन कम हो, है ना। तो सोचो फीमेल साइड से भी कुछ फ्लूइड आ रहा है जो मेल के पेनिस के थ्रू बॉडी में एंटर कर रहा होगा और मेल साइड भी फ्लूइड निकल रहा है, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, बल्ब यूरेथ्रा ग्लैंड, ये सब सीमेन के थ्रू अपना सेक्रीशन भेज रहा होता है ना, तो दोनों साइड से फ्लूइड्स का एक्सचेंज होता है। ये दो इंडिविजुअल के बीच में होने वाला सबसे क्लोज कॉन्टैक्ट है, सबसे क्लोज कॉन्टैक्ट, और इस क्लोज कॉन्टैक्ट में हम लोग अपने बॉडी का डिजीज भी एक्सचेंज कर सकते हैं, इतना क्लोज होता है। ठीक, तो जरूरी है कि आपको पता रहे कि हाइजीन कैसे मेंटेन करें, क्योंकि दोनों में से कोई एक भी गंदे तरीके से रहेगा या आपने जेनाइटल ऑर्गन को क्लीन नहीं करेगा तो चांसेस आते हैं कि उसका जो पार्टनर है वो भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को गेन कर ले, वो भी डिजीज हो जाए। और एसटीडी का सबसे जो क्लियर फीचर होता है वो ये बीमारी अपना लक्षण तुरंत नहीं दिखाता, जितने भी बीमारी है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में ये आपके बॉडी के अंदर तो होते हैं लेकिन अपना सिम्टम नहीं दिखाते, अपना लक्षण नहीं दिखाते, जब तक आपको बहुत अच्छे से जकड़ नहीं लेगा तब तक अपना लक्षण नहीं दिखाएगा। और कुछ लोगों का आदत होता है मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, है ना, एक से अधिक लोगों के साथ उनका सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है, और अगर ऐसा कंडीशन रहा तो जैसे मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है ए या कोई ह्यूमन है ए, ये डिजीज है, इसको एसिडिटी हो चुका है, ठीक, और इसका मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर है, मान लो कि ये ऐसा मेल है जिसका या ये अक्सर फीमेल सी केस में होता है, जो भी फीमेल प्रोस्टिट्यूशन के दलदल में होती है जिनका भी प्रोस्टिट्यूशन वाला काम होता है, उनके साथ क्या हो रहा है कि अभी मान लो उनका 10-15 मेल्स के साथ रिलेशन है, हम लोग सिर्फ 3 लेते हैं, तो मान लो इस ये बी भी डिजीज था, मान लो बी से ए को हो गया, अभी ये ए में सिम्टम आया, अच्छा बी से ए में क्यों हुआ, क्योंकि बी में कोई सिम्टम नहीं था, देखने में एकदम हेल्दी लग रहा था, तो जाहिर सा बात है कोई भी मेटिंग किसी डिजीज से थोड़ा ना करेगा,
अगर आपको सामने वाला देखने में मलयाल टाइप लग रहा है तो जाहिर सी बात है उससे मीटिंग नहीं करेंगे। तो सामने वाला हेल्दी लग रहा है तो हमने उससे मीटिंग करा, बी उससे मीटिंग करा, लेकिन बी है डिजीज था तो बी सेम हो गया। अभी ए के अंदर डिजीज जा चुका है, ए डिजीज को ऑप्शन फैला सकती है लेकिन उसमें खुद का सिम्पल दिख रहा है क्या? नहीं। तो अभी इसका जितना पार्टनर होगा जो इसको हेल्दी समझ के इससे मेटिंग करेगा वो सभी डिजीज हो जाएगा। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का सबसे बड़ा यही प्रॉब्लम है, सामने वाला डिजीज है ये पता ही नहीं चलता, और जब तक पता चलता है तब तक ऊपर जाने का टाइम आ चुका होता है, ये इतना ज्यादा फैलता है। ठीक है, तो प्रॉपर हाइजीन होना बहुत जरूरी है ताकि आपको कम से कम कुछ प्रिकॉशन लें, और सबसे बेस्ट प्रिकॉशन क्या है डिजीज का? यूज ऑफ कॉन्डम्स। प्रेगनेंसी रोकने का बहुत तरीका हो सकता है, आप एक टैबलेट भी खा लीजिएगा तो प्रेगनेंसी रुक सकता है, या कई बार इंजेक्शन होता है, लेकिन हर तरीके से बीमारी से बचाने का जो सबसे बेस्ट उपाय है वो कौन है? कॉन्डम। ठीक है, और पता है क्वांटम का सबसे दो तीन खास फीचर क्या है? तीन बताता हूं। सबसे पहला जो सबसे ज्यादा मैटर करता है वो है प्राइवेसी। मतलब ये कि अगर मान लो कोई फीमेल प्रेग्नेंट होना नहीं चाहती किसी मेल के साथ सेक्सुअल रिलेशन करने के बाद, तो वो टैबलेट भी अगर लेगी उसको जाकर टैबलेट खरीदना पड़ेगा, और खरीद भी लेने से काम नहीं होगा। मान लो अनजान जगह से जाकर खरीद ली, कोई उसको नहीं जाता था, इसका प्राइवेसी मेंटेन रहा, लेकिन उसको डोज नहीं पता, उसको डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। डॉक्टर बताएगा अच्छा कब आपका मीटिंग हुआ था, तो एक दिन पहले, तो ठीक है आप इतना टैबलेट लीजिए, दिन में इतना बार लीजिए, इतना एमजी वाला लीजिए, है ना। तो कॉन्डम के साथ क्या है कि आपको बहुत हाई लेवल का प्राइवेसी देता है, आपके पास है, आपको जब मीटिंग करना है 2 मिनट के अंदर वो रेडी टू यूज है। ठीक, दूसरा बात ये रियूजेबल नहीं है, एक बार यूज किया और डिस्पोज कर दिया, फेंक दिए। मतलब कुछ ऐसा चीज है जहां पे कि जो था ना कोई चीज अगर रियूजेबल हो तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन होता है, यहां चांसेस ऑफ इन्फेक्शन नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या? प्राइवेसी देता है। दूसरा सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन यही प्रोवाइड करता है। ठीक, और तीसरा ये सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल, मतलब सबसे अधिक सस्ता है। ठीक, अच्छा एक और बात अगर ऐड करना चाहे तो ये बोल सकते हैं कि इससे कॉन्डम के यूज से किसी भी तरीके से सेक्सुअल एक्ट या सेक्सुअल डिजायर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये कि किसी भी तरीके से कॉन्डम यूज करने के बाद भी आपको सेक्स करने में प्रॉब्लम नहीं आना है, मतलब सेक्सुअल एक्ट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और दूसरा सेक्सुअल डिजायर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं कि उसको यूज करने के बाद आपको मन नहीं करेगा, आपको मन भी करेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये सब कुछ आगे आकर पॉइंट लिखवाऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड का क्वेश्चन है, बोर्ड बहुत पूछता है कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ गुड कॉन्ट्रासेप्टिव। प्रीवियसली में बहुत बार आया हुआ है कि अच्छे कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस का क्या पहचान है। तो जो दो तीन पहचान है जो मैंने कॉन्डम के लिए बताया वो सब इसमें लागू हो जाएगा। सस्ता होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, प्राइवेसी देना चाहिए। इसमें तो प्राइवेसी इतना हाई है कि दो पार्टनर को छोड़कर तीसरा किसी को पता नहीं चलना है ना। डॉक्टर को भी डॉक्टर के पास भी जाने की जरूरत नहीं, आपको पता है कैसे यूज करना, इतना इजी टू यूज है ना। खैर लिखूंगा आगे, अगला पॉइंट, देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ नॉलेज, देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ नॉलेज रिलेटेड टू एसटीडीज, देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ नॉलेज रिलेटेड टू एसटीडीज, देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ नॉलेज रिलेटेड टू एसटीडीज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नॉलेज मस्ट बी रिक्वायर्ड
फॉर बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस नॉलेज मस्ट बी रिक्वायर्ड फॉर बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस मदर हेल्थ बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस मदर हेल्थ एंड पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर मदर हेल्थ एंड पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर NATA मतलब बर्थ कंट्रोल कैसे करें बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस जैसे कॉपर कॉपर टी कॉन्डम पिल्स इंजेक्टेबल्स हार्मोनल एनएसडी बहुत चीज होता है उसके अलावा चाइल्ड बर्थ के वक्त क्या क्या जरूरी है चीज चाइल्ड बर्थ आजकल रिप्रोडक्टिव ग्रोथ इतना जाता है या हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ इतना ज्यादा है इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आजकल असिस्टेटिक डिलीवरीज हो रही है पहले डिलीवरीज घर में होते थे है ना सोसाइटी की फीमेल्स मिलकर ही किसी फीमेल का डिलीवरी करा रहे तो चूंकि वो सब प्रोफेशनल्स तो नहीं होते थे है ना क्या वो प्रोफेशनल्स थे तो चांसेस आते हैं कि वहां फीमेल का डेथ हो जाए बच्चे का डेथ हो जाए बहुत ज्यादा होगा बट अब हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स असिस्ट करते हैं डिलीवरीज को है ना इससे क्या हो रहा है कि मातृ मृत्यु दर मदर डेथ रेट और शिशु मृत्यु दर चाइल्ड डेथ रेट दोनों बहुत कम हो गया और तीसरा पोस्ट नैटल केयर ऑफ मदर बच्चे के जन्म के बाद भी मां का केयर बहुत जरूरी होता है तो ये केयर भी बहुत जरूरी है क्या पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर बच्चे के जन्म के बाद मां का केयर पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर हो गया नेक्स्ट डाली हेडिंग एमनियोसिंथेसिस एमनियोसिंथेसिस हेडिंग एमनियोसिंथेसिस लिखो इन दिस द एमनियोटिक सेल्स ऑफ द फीटस इन दिस एमनियोटिक सेल्स ऑफ द फीटस is taken in this amniotic cells of fetus is taken to analyze the fetal cells Thank you.
करता हूं। आगे हो गया, जरा एम्बियोसिंथेसिस को समझ लो। हाँ, जब लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़े तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़े ना एम्बियो डाइलेशन के टाइम। हाँ हाँ हाँ, जो बाहर निकलता है बिल्कुल। असल में बच्चे का सर ऊपर और पैर नीचे होता है स्टार्टिंग में, बट धीरे धीरे जैसे जैसे प्रेगनेंसी प्रोसीड करता है तो ये 180 डिग्री रोटेट करता है और उसके बाद सर नीचे और पैर ऊपर होता है। अगर ये रोटेशन हुआ तो इसको बोलते हैं नॉर्मल प्रेजेंटेशन, याद है ना बताए थे ब्रिज प्रेजेंटेशन। और अगर तो उसमें जो डिलीवरी होता है नॉर्मल होता है अक्सर, और अगर ये बच्चा नहीं घूमा पैर नीचे ही रह गया और सर ऊपर ही रह गया तो इसको बोलते हैं ब्रिज प्रेजेंटेशन, और इसमें अक्सर सर्जियन डिलीवरी होता है क्योंकि अगर नॉर्मल हुआ तो चांसेस कि बच्चा गर्दन फुट के अंदर ही रह जाते। क्या बहुत सारे फैक्टर मेडिकल फैक्टर से सब एमबीबीएस में मिलेगा अभी नहीं। बहुत सारा फैक्टर होता है उत्तर डेट में हम लोग पढ़ा होता है इतना पता, बहुत सारे फैक्टर जो पढ़े थे दिमाग में बैठा के नहीं हुए। और ये बच्चा एक बॉक्स में कवर्ड है जिसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, पानी चाहिए यार। गर्म पानी से हम लोग क्या करते हैं, यहां से इंजेक्शन देते हैं फीमेल को, यहां से ये इसका यूट्रस है, ये वेजाइना दिखाया ठीक है, तो पेट के ऊपर से इंजेक्शन दिए या कई बार यहां से इंजेक्शन डाले ठीक है, तो इंजेक्शन दिए और यहां तक पहुंचा इंजेक्शन को। प्यारा इंजेक्शन लग रहा है जैसे कि तुम्हें दोस्तों जो भी डीएनए या जो भी क्रोमोसोम है वो सब इस बच्चे का है,
तो आपने इस सेल का पूरा पूरा क्रोमोसोम स्टडी करा, और अगर इस क्रोमोसोम में या इस सेल में कोई एबनॉर्मलिटी मिल रहा है, मतलब कि वो एबनॉर्मलिटी बच्चे में भी है, ये बच्चे का ही सेल है। अच्छा, इसी को स्टडी करने के बाद अगर आपको जो क्रोमोसोम मिला वो ये मिल गया, मतलब जो बच्चा है वो क्या है, मेल या फीमेल, फीमेल, यही से पता चलता है कि बच्चा मेल है या फीमेल। आज भी हम लोग जो कराते हैं टेस्ट, वो 3 महीने के बारे से पता चलता है, अक्सर 3 महीने के बाद खैर 3 महीने के बाद अक्सर पता चलता है, तो पता चल गया कि फीमेल है। तो आज भी हमारे सोसाइटी में ये इवेल है कि हम लोग उस बच्चे को अबॉर्ट कर देते हैं, उस फीटस को अबॉर्ट करा देते हैं। अभी भी होता है, बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए एम्ब्रियोसिंथेसिस पे बैन है। आप एम्ब्रियोसिंथेसिस तो कर सकते हैं, लेकिन इसे सेक्स डिटरमिनेशन करके बच्चे के माँ बाप को बता नहीं सकते, ये बताना अब अनलॉफुल क्राइम है। आप ये नहीं बता सकते कि बच्चा मेल है या फीमेल, कोई प्रॉब्लम है तो बच्चे टेस्ट हो सकता है। इतना के बाद अब अगला बात सुनो, मेल का क्रोमोसोम होता है 44+XY, और फीमेल का क्या होता है 44+XX। बात सच असल में ये है कि मेल में एक एक्स क्रोमोसोम है, फीमेल में कितना है, दो। तब मेल और फीमेल में कुछ डिफरेंस आना चाहिए बहुत ज्यादा वाला, जाहिर सी बात है अगर आपके आंख का जीन दो हो जाए तो आपके शरीर में दो के बजाय 4 आंख हो जाएगा, है ना। तो फीमेल में तो सारा कुछ दो दो दबा होना चाहिए था, अगर दो एक्शन हो। इससे बचने के लिए क्या होता है कि फीमेल के बॉडी में इन दो में से एक एक्स इनएक्टिवेट जाता है, वन एक्स क्रोमोसोम क्या होता है, इनएक्टिवेट होता है। क्यों? सो एज टू बैलेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल, ताकि दोनों में बैलेंस मेंटेन रहे, दोनों में एक एक एक्स है। तो फीमेल में दो एक्स होता तो है, लेकिन एक एक्स फीटल स्टेज में ही क्या हो जाता है, इनएक्टिवेट हो जाता है। क्या हो जाता है, इनएक्टिवेट, कुछ बोलना है ना, वो राम हो जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल, तो हमेशा इनएक्टिवेट होता है, अगर एक्टिव आ गया तो इनफर्टाइल हो जाएगी। अभी देखो खास बात है, ये जो इनएक्टिवेटेड नहीं, एक्स में जितने भी क्रोमोसोम्स होंगे वो जस्ट डबल डबल अपना एक्स वो क्या बोलते हैं एक्सप्रेशन करेंगे। आंख का जीन अगर एक्स पे होता तो आंख पीछा हो जाता, लेकिन आंख का जीन एक्स पे नहीं होता, एक्स में जो जो जीन होता है वो सब जस्ट अपने आपको डबल एक्सप्रेशन दिखाएगा। ऐसा कभी नहीं, एक एक्स इनएक्टिवेट होता ही होता है, और जो इनएक्टिवेटेड एक्स होता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बार बॉडी। अब देखो, मान लो मैंने एक फीमेल का कैरियोटाइपिंग किया, कैरियोटाइपिंग मतलब स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, मैंने किसी फीमेल का क्रोमोसोमल स्टडी किया, उसके न्यूक्लियस का स्टडी करा, और जब मैंने एक स्टडी करा तो मुझे दो बार बॉडी मिले, कितने बार बॉडी मिले, दो बार बॉडी मिले, मतलब तय बात है कि एक फीमेल में दो के बजाय 3x होगा। तभी तो देखो, सिर्फ एक एक्स काम करेगा, एक से जितना भी एक्स होगा फीमेल में वो सब क्या हो जाएगा, बार बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा, 47 हाँ बिल्कुल 47 हो जाएगा, बिल्कुल होता है। अभी इसके बाद जब मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो डिटेल में जानेंगे कैसे क्या होता है, अभी बस इतना जानो कि अगर दो बार बॉडी मिल गया मतलब फीमेल में कितना एक्स, 3, अगर 3 बार बॉडी मिला तो फीमेल में कितना एक्स, 4। अभी खुद सोचो, हमको दो बार बॉडी मिल गया मतलब मुझे समझ में आया कि ये फीमेल आप नॉर्मल है ना, तो हम इसको अबॉर्ट कर देंगे, अबॉर्शन करा लेंगे, समझे बात।
किसी भी तरीके से हमारा एम ये होता है कि हम किसी ऐसे बच्चे को जन्म ना दें जो अपना पूरा जीवन जन्म लेकर बचता है। अगर हमको पता है कि बच्चा जन्म लेने वाला है मेंटली रिटार्डेड होगा, हमको पता है जो बच्चा जीने जन्म लेने वाला है उसका बचने का चांसेस बहुत कम है, 4-5 साल में मर जाएगा या शायद 1-2 महीने में मर जाता, ऐसा बच्चा को जन्म देकर क्या फायदा, तो उसको पहले अबॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये एम्ब्रियो सिटीजन का मेन काम है, सही वाला काम। इसका मिसयूज कहां होता है, प्रीनेटल सेक्स डिटरमिनेशन में। इसमें प्रीनेटल जन्म से पहले फीटस का सेक्स डिटरमिनेशन कर देना। ठीक है, वैसे इसका जबरदस्त तोड़ निकाला गया, कुछ बहुत ही चालाक डॉक्टर लोग क्या करने लगे, उनको पता था कि कानूनन ये जुर्म है कि मां के पेट में जो बच्चा पल रहा है उसका जेंडर हम बताएं, ये जुर्म है ना, ये तो जुर्म नहीं है कि बाप का जो स्पर्म है उसी को चूज कर लें कि कौन सा वाला एक्स है कौन सा वाला वाई है, ये तो जुर्म नहीं था। तो डॉक्टर्स क्या करते थे, मेल का स्पर्म ही फीमेल में जाएगा तब वही डिसाइड करेगा कि बच्चा मेल बनेगा कि फीमेल बनेगा। तो अगर हम मेल के स्पर्म को ही चूज कर लें, एक्स वाले को छांट दे स्पर्म को और सिर्फ वाई वाले स्पर्म को भेजें, चूज कर सकते हैं पहले, बिल्कुल कर सकते हैं, हर एक एक सेल में से पहले, हाँ फर्टिलाइजेशन से पहले, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराएंगे। तो तुमको क्या लग रहा है, ऐसा कोई दवाई देंगे तो मेल के अंदर का सारा एक्स को मार देगा, सिर्फ वाई जाएगा, ऐसा नहीं होता। इन विट्रो ओलिगोस्पर्मिया में तो इम्प्लांट कर सकते हैं स्पर्म, इम्प्लांट नहीं होता है, जायगोट इम्प्लांट होता है। ओलिगोस्पर्मिया स्पर्म कौन बहुत कम है, बच्चे बाहर में फीमेल का एक बाहर निकाला टेस्टिंग में फ्यूज करा और मां के बॉडी में फिर डाल दिया जाएगा, उसको डेवलपमेंट नॉर्मल होगा 16 डिवीजन बाद, हाँ नहीं डिपेंड करता, 8 से 16 सेंट स्टेज में हो चुका है तो उसको यूट्रस में डालेंगे, समझे बात, उससे कम रहा तो फेलोपियन ट्यूब में छोड़ना पड़ता है। अब फेलोपियन ट्यूब में कहां छोड़ना है ये किसान इतना बड़ा मुश्किल है, इसलिए 8 से 32 सेल होने का इंतजार करते सीधा यूट्रस में डाल देते हैं, समझे। कैसे समझ गए, बार बॉडी समझ गए, बार बॉडी लिख लो सो अपनी लैंग्वेज में, हाँ सब छाप छाप लो फटाफट और आप सकते, चलिए बस उतार लेते हैं, दिस इज ऑल फॉर टुडे।